प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा अकेडमी एग्रीकल्चर एंड मैथ क्लासेज पर। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली फर्स्ट बी। कल के वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट ए के बारे में पूरा बताया था, जो काफ़ी लंबी हो गई थी, लेकिन जो आज की वीडियो है इसमें क्वेश्चन का मसले भी बहुत छोटी बनेगी। और मेरा एक ही प्रयास रहता है कि बच्चों को अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की नई वीडियो फर्स्ट बी। ये देखिए फर्स्ट बी है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखो। देखिए एक बच्चे की पुस्तक है, उसने इसमें मेहनत कर रखी है। पहले कुछ दो क्वेश्चन बच्चे ने खुद हल किए हैं, ठीक है, बड़े होशियार बच्चे हैं। लेकिन चलिए मैं आपको इनको अपने तरीके से लिखवा रहा हूँ, क्योंकि सभी बच्चों उनके बारे में नहीं पता होगा हल करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके कम से कम भी ये आपके 5 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझने की बात है, ठीक है। चलो अपने समय न गवाते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखना है। चलिए देखिए लिख रहा है कि इसको सरलतम रूप में लिखना है। -8/10 है। देखिए अब मुझे ऐसा टेबल लेना है, ऐसा पाड़ा लेना है जिसमें 8 और 10 दोनों आ जाए। तो संख्या 2 का पाड़ा है, ठीक है, तो उसको मैं 2 से भाग दे दूँगा। क्या लिखूँगा यहाँ पर, देखिए -8/2, उसी प्रकार से 10/2, पूरी कर लीजिए, 2 × 4 4 हो गया इधर, तो जो है -4/5 है, ये इसका सरलतम रूप है। इस प्रकार से फिर 15/20 का करेंगे। 15/20 कौन से पाड़े में आते हैं, 3 में आते हैं, तो दोनों को हम 3 से भाग दे के देखेंगे। 15 को भी 3 से भाग दिया, सॉरी ये जो है 5 के में पाड़े में आते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको 5 से भाग देंगे, ठीक है, इसको भी हम 5 से भाग देंगे, ठीक। क्या आया, 5 × 15 पाँचों में 3/4 का क्या सीधा रूप हो गया। इस प्रकार से 25 और 45 का करेंगे, ये भी दोनों जो है 5 के पाड़े में आते हैं। 25 और 45 में 25 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, और जो है 45 इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे, एक ही बात है। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 45 हो गया। 14 और 77 ये किसी पाड़े में नहीं आते, लेकिन दोनों संख्याएँ 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 14 को भी 7 से विभाजित कर लेते हैं हम, और जो ये 77 है इसको भी हम 7 से विभाजित कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 14 × 7 = 14 और 11 × 7 = 77। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, आपको बराबर या बराबर नहीं है ऐसे चिन्ह का प्रयोग करके इनको हल करना है। देखिए इसमें लंबा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे से आपको हल करना है कैसे कि आपको इस ये वाला या वाला यहाँ पर चिन्ह लगाना है। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखिए त्रिशोगुना कर लेते हैं, ठीक, ओके। 7 × 28 5 × 5 = 25 बराबर नहीं है, तो उसके लिए 11 × 7 = 77 11 × 7 = 77 बराबर है। उसके बाद में 8 × 32 7 × 5 = 35 ये भी बराबर नहीं है। देखिए 16 × 14 और 16 × 21 ठीक, इसको एक काम कर लीजिए, इसको अलग से सोल्ड करके दिखा देख लेते हैं। 16 × 14 कितना हो गया है, 16 × 64 = 4 कहाँ से लेके 6, 16 × 16 = 6 = 224 इस प्रकार से 16 × 21 इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 16 × 16 = 6 कहाँ से लगाई, 16 × 32 = 33 अलग अलग हो गए। तो उसके लिए भी हम जो है यहाँ पर ये वाला चिन्ह भी करेंगे। रुको, प्रश्न नंबर अगला है, कौन सी परिमेय संख्याएं ऐसा माना। देखिए -9/12 और 8/-12 में, तो उन्हें करने के लिए हमको क्या करेंगे, हम लोग इनका त्रिशोगुना करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 निम्मा क्या होता है प्यारे बच्चों, 12 निम्मा होता है 108 ठीक, बराबर 12 8 कितना होता है 96, दोनों बराबर नहीं है। उसके बाद में देखो इसको बड़ा ही सिंपल तरीका करने का, 15 × 15 = 15 × 3 = 45 16 × 16 = 16 3 = 48 दोनों समान हो गए। फिर ये संख्या देख लो क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 21 उसके बाद में बराबर 3 × 3 = 3 3 भी बराबर हो गई। उसके बाद में इसको देख लेते हैं, -8/14 है और 13/21 है। देख 21 गुना पहले 8 में करेगी, 21 हटे कितने होते हैं प्यारे बच्चों 168, 14 × 13 करो, 14 × 42 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 5 = 4 14 × 14 और 4 आपका 18, ये दोनों अलग अलग हो गए।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो परिमेय संख्याएं होती है उनको संख्या रेखा पर आपको निरूपित करके दिखाना है, ठीक है। पहली परिमेय संख्या हमारे पास में है 3/4, जो हमारा पहला ही है क्वेश्चन नंबर क्या है, ये है उसमें दिया है 3/4 को। देखिए अभी तक आपने सिर्फ जो कक्षा आप जो 6 में थे जिस टाइम पर आप, तो आपने सिर्फ एक संख्या देखी होगी परिमेय संख्या को, उस पर इधर से संख्या रेखा पर या कोई सिंपल कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लिया 0 से लेके हमको 4 को दर्शाना है, तो आप इस तरीके से करते होगे इनको इस लाइन पे। ये कोई परिमेय, ये कोई सॉरी ये कोई नंबर लाइन है संख्या रेखा आपकी, तो 0 से लेके 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से करते होगे, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या के रूप में है इसलिए करने का तरीका बिल्कुल इसको अलग है। सबसे पहले आपको क्या है, एक संख्या रेखा यहाँ पर खींच लेनी है, ठीक, 0 से लेना आपको सिर्फ, यहाँ पर कहाँ से लेना है 0 से, ठीक है, यहाँ पर आपको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर 1 यहाँ पर लगा लिया। तो शुरू में आपको क्या लिखना है, लिखना आपको 1/4, उसके बाद 2/4, उसके बाद में 3/4, और उसके बाद में फिर हो जाएगा आपका 4/4, 4 × 4, ठीक है। जितना इसमें हर दिया है उतने आपको अंश बनाकर लिखना है, लिखते चले जाइए जब तक कि आपका अंश है जो वो हर के बिल्कुल बराबर ना हो जाए। उसी प्रकार से हम इसका ख्याल करते हैं, इसमें है 3/5, इसी प्रकार से फिर हम संख्या रेखा बना लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 इधर लगा लेते हैं, अब शुरू में हम 1/5, उसके बाद में 2/5, फिर प्यारे बच्चों 3/5, फिर 4/5, फिर क्या हो जाएगा, फिर 5/5, ठीक है। तो देखिए कितना इजी तरीका इसको करने का, बिल्कुल सिंपल तरीका। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको जो आपका जिसमें अंश दिया है अंश को भी आपको हर के बराबर बना लेना है, और कब तक चलते चलेंगे, जब तक कि आपका जो अंश है वो हर के बिल्कुल इक्वल ना हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जो क्वेश्चन संख्या रेखा में 2 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल जो मैंने क्वेश्चन किया उनकी भांति स्वयं बैठ कर आप हल कर लेना, बड़े इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है, ठीक है, बस आपको असमान छांटनी है। बिल्कुल पढ़ने का तरीका इसी प्रकार से, इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर जो है 3 किया हुआ है, सिर्फ आपको वीडियो को देखना है बिना स्किप किए, और जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है इसे स्वयं बैठ के आपको हल करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलती है एक नई वीडियो में आपके साथ, आपका दिन मंगलमय हो, आप सुखी हो, पूरे सुख शांति रहे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है, आपसे प्रार्थना आपसे भी है कि कृपया मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, उसको सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और साथ साथ जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।